वैसे तो गूगल एक वेबसाइट को इंडेक्स करने में 10 से 12 दिनों का टाइम लगा देता है, कभी कभी वो टाइम एक महीने तक चला जाता है। लेकिन वैसे तो इस मेथड का यूज करके जो मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो सिर्फ 2 दिनों में, और वो भी हाई क्वालिटी बैकलिंक्स के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल राहुल। मेरा नाम राहुल राय है और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा हाई क्वालिटी बैकलिंक्स कैसे जनरेट करेंगे बिना किसी आर्टिकल के। आपको आर्टिकल लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉपी और पेस्ट करके हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाना आपको बताऊंगा, और साथ में 2 दिनों के अंदर कैसे आप अपनी वेबसाइट के पेजेस को रैंक करा सकते हैं गूगल में, ये भी सारी चीजें बताऊंगा। गाइज, मोस्टली लोग बैकलिंक्स बनाते हैं बहुत सारी साइट्स पे, लेकिन उस बैकलिंक्स का कोई फायदा नहीं होता है जहां से आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक और रेफरल ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि बैकलिंक्स का मेन मतलब ही यही होता है कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, आपकी वेबसाइट रैंक करे। लेकिन ये दोनों चीजें अगर आपके साथ नहीं हो रही हैं, तो फिर इसका मतलब आप गलत जगह बैकलिंक्स बना रहे हैं या गलत तरीके से बैकलिंक्स बना रहे हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और ये चीजें मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि कैसे लाइव बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, कैसे अपनी वेबसाइट को रैंक करेंगे। अगर आप गूगल में सर्च करते हैं रिकॉर्ड मैनेजमेंट फॉर इंसॉल्वेंसी, ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये साइट ओपन हो रही है आपके सामने। और ये वही साइट है जहां पे मैंने अपने वेबसाइट के लिए, जो हमारी क्लाइंट की एक वेबसाइट है, उसके लिए मैंने बैकलिंक्स यहाँ पे बनाया है, ये आप देख रहे हैं। और ये जिस दिन मैंने यहाँ पे पोस्ट किया उसके नेक्स्ट डे ही ये बैकलिंक्स इंडेक्स हो गया गूगल में और ये रैंक करने लगा, ठीक है, और यहाँ पे मेरी वेबसाइट भी रैंक हो गई है, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं वेबसाइट जो मेरी रैंक हुई है फर्स्ट पेज पे, ये देखिए। और ये जो मेरा सर्विसेज का जो पेज है इंसॉल्वेंसी का, ये भी रैंक हो गया, मुझे इसी को रैंक करवाना था इसी पेज को, और ये 2 दिन के अंदर ही हो गया है। तो प्रोसेस इसमें क्या करना होता है, ये medium.com साइट है, मीडियम से इस साइट से ना कि आपको बैकलिंक्स मिलता है बल्कि अच्छा खासा ट्रैफिक आपकी साइट पे भी यहाँ से जाता है। तो कैसे करना है हमें इस पे काम, आप यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन देख रहे हैं, साइन इन पे क्लिक करना होता है। यहाँ से आप गूगल की आईडी से या फेसबुक की आईडी से या किसी भी आईडी से इसको लॉग इन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, फेसबुक की आईडी से मैंने लॉग इन कर लिया इसको, ठीक है, ये मेरा अकाउंट लॉग इन हो चुका है अभी, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। अब आपको क्या करना होता है, जैसे सपोज मान लीजिए आपकी ये वेबसाइट है, आप किसी पर्टिकुलर पेज को रैंक कराना चाहते हैं या वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं, तो चलिए मान लीजिए रिकॉर्ड मैनेजमेंट सर्विसेज की ये जो है पेज है, ठीक है, ये मेरे क्लाइंट का वेबसाइट है जिसके जस्ट फॉर एज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इस पेज के स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स को यहाँ से ऐसे कॉपी करना होगा और आपको यहाँ पे आना होगा न्यू स्टोरी, यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने उस कंटेंट को पोस्ट कर देना होगा और आना होगा फिर आपको यहाँ पे आपको अपने टाइटल को भी पोस्ट कर देना है। मैं तो यही बोलूँगा कि सेम टू सेम टाइटल रखिए आप, ठीक है, सेम टाइटल रखिए और पूरे कंटेंट को यहाँ पे मत डालिए। पूरा कंटेंट अगर आप यहीं पे डाल देंगे तो फिर आपकी वेबसाइट पे कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि उसको सारा कंटेंट वहीं पे पढ़ने को मिल जाएगा। इसीलिए आप थोड़ा सा कंटेंट डालिए और यहाँ पे नीचे रख दीजिए, लिख दीजिए रीड मोर का ऑप्शन, यानी यहाँ से आपको बैकलिंक भी बन जाएगा और रीड मोर करके यहाँ पे जिसको कंटेंट आपका अच्छा लगेगा वो आपकी वेबसाइट पे भी जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप दे दीजिए, ठीक है, ये आपका बैकलिंक्स भी बन गया, एक बैकलिंक्स यहाँ पे भी है। आप एक बैकलिंक या दो बैकलिंक दे सकते हैं, चाहें तो आप इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप हटा भी सकते हैं इसको। और इस तरह से आपकी वेबसाइट बूस्ट हो जाएगी,
आपका ये बैकलिंक क्रिएट हो जाएगा, आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक भी आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसको आप पब्लिश कर दीजिए और यहाँ पे आपके मेन मेन कुछ कीवर्ड्स डाल दीजिए। इस ये प्रोसेस होता है अपनी वेबसाइट को 2 दिन में रैंक कराने का गूगल में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप इसको पब्लिश कर दीजिए, ये आपका आर्टिकल हो गया पब्लिश। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप देख भी सकते हैं इंसॉल्वे स्टोरीज, ये पेज मैंने बनाया था। फिर मैंने इस पेज का कंटेंट मीडियम पे एक बार मैंने सिर्फ डाला था, सिर्फ मैंने एक पोस्ट डाला है और विद इन 2 डेज मेरी वेबसाइट रैंक हो गई, मेरा ये बैकलिंक रैंक हो गया और मुझे इस पेज पे अच्छा खासा ट्रैफिक भी इस साइट से मिल रहा है, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल्स डेली विजिट करते हैं इस मीडियम साइट्स पे। बहुत ही बड़ी कंटेंट शेयर की साइट है, आर्टिकल शेयर की वेबसाइट है। ये देखिए, ये मेरा आर्टिकल शेयर हो गया। अब कोई इस आर्टिकल को पढ़ेगा, ये उसके बाद इंटरेस्टेड होगा तो रीड मोर पे क्लिक करेगा, इस तरह से मुझे मेरी साइट पे भी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा और ये बैकलिंक्स भी मुझे मिल गया। तो गाइस, होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।